चुनौती, साक्षरता ही है सफलता की कुंजी इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती, इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती। राकेश अस्थाना और मैं नेहा शरद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम चुनौती में। चुनौती जैसा प्रोग्राम करना खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने सारे खत हमारे प्रोग्राम के लिए लिखे और हमारी हौसला अफजाई की। चलिए अपने प्रतियोगियों से मिले। जी, सबसे पहले मिलते हैं प्रेरणा टीम से। आपका नाम? सईद। सईद, आप क्या करते हैं? हेल्पर का काम। और आप? मुकेश कुमार। मुकेश, आप क्या करते हैं? मैं चुंदी का काम करता हूँ। आप पढ़ाई नहीं करते हैं? जी, किया था। कहाँ तक पढ़े थे? 5वीं। उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। अब मिलते हैं हम चेतना टीम के प्रतियोगियों से। कही, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान, इमरान क्या करते हैं? मैं सुतार का काम करता हूँ। क्या बात है। आपका नाम? उमेश। उमेश, उमेश क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते? चलिए कोई बात नहीं, हमारी सब कामना आपके साथ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं खेल को। हमें पूरा यकीन है कि इस खेल के साथ आप अपने आप को जरूर पहचानेंगे और शुरू करते हैं हम अपना खेल पहले राउंड के साथ, जिसका नाम है गेंद का सफर। ये है तो बहुत आसान, देखिए मैं समझाता हूँ। ये है टीम गेम, जिसमें से आप बारी बारी खेलेंगे। अब एक प्रतियोगी को यहाँ ये जो पदचिन्ह रखे हैं इस पर खड़ा होना है, और दूसरे आपके साथी को यहाँ रखे हुए जो पदचिन्ह है इस पर पाँव रखकर खड़ा होना है। अब यहाँ वाले प्रतियोगी को यहाँ से कोई भी रंग के गेंदों को यहाँ से लुढ़का कर अपने साथी की तरफ फेंकना है। अब यहाँ के प्रतियोगी को उसको बिना पदचिन्ह से नीचे उतरे उस गेंद को पकड़ना है। अगर आप नीचे उतर गए तो आपके अंक नहीं माने जाएंगे उस गेंद को। अब यहाँ के प्रतियोगी को उसको बक्से में डालना है। जितनी गेंदें यहाँ बक्से में जमा होंगी उतने अंक आपको मिलेंगे। समझ में आ गया? आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। तो आपके गेंदे कुल मिलाकर 5। तो प्रेरणा टीम को मिलते हैं 50 अंक। चलिए होशियार, शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से संभाल के। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। आराम से, आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से डालिए उसमें। चलिए चलिए, समय कम बचता है आपके पास। बहुत बढ़िया, सारा ध्यान यार किया अपना। हाँ,
बताइए नेहा जी, इनके कितने हुए अंक? इनको मिले हैं 90 अंक। बहुत बढ़िया, तालियां। हम चाह रहे थे कि ये गेंदे अगर आप पूरी भर लेते आपको छुपा हुआ एक अक्षर मिलता, और वो अक्षर है माँ। तो हमारे पहले राउंड के बाद स्कोर हुए हैं, चेतना को मिले हैं 90 अंक और प्रेरणा को 50 अंक। नेहा जी, मानना पड़ेगा हमारे पहले राउंड में आपने वो अक्षर कैसे खोज निकाला। कमाल है, जब हम कोई चीज खोजते हैं तो खोजते खोजते कहीं और ही पहुंच जाते हैं। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस खोजने निकले थे कुछ और पहुंच गए अमेरिका। ऐसा ही है कुछ हमारे अगले खेल में, जिसका नाम है खोज। ये देखिए, ये कुछ पट्टियां हैं जो आपकी आंखों पे बांधी जाएंगी। ये है प्रेरणा टीम, चेतना। अब आपके चारों की आंखों पर पट्टी बांधने से पहले आप देख रहे हैं, और कुछ चीजें आपकी आंख पर पट्टी बांधने के बाद यहां रखी जाएंगी। फिर आपकी पट्टी खोल दी जाएगी और फिर मैं उन चीजों का वर्णन करूंगा, और आपको समय दिया जाता है इसके लिए 1.5 मिनट। चलिए, इनकी आंख पर पट्टी आप बांधिए, मैं इनकी आंख बांधता हूं। तो शुरू करें खेल जी। सबसे पहले इनकी पट्टियां खोलते हैं। चलिए, आप कहीं भी जाकर इस ट्रैक के अंदर ही अंदर खड़े हो जाइए, जाइए जहां चाहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लू, बारिशों में ये निकलता है और जोर जोर से चीखता है, टर्राता है। कौन है वो, जल्दी से ढूंढिए और रखिए। बहुत बढ़िया, पालतू जानवर है और लोग कहते हैं कि बड़ा वफादार है। कौन है वो, जल्दी ढूंढिए उसे। बहुत बढ़िया। कहीं शहरों में, कहीं गांवों में 3 पहियों की गाड़ी होती है, वो आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आसान सा है, मिर्चे है वो खाता, हरे रंग का वो है, लेकिन बोलता इंसानों जैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम देखते हैं कि कच्ची कच्ची कैरिया और मन करता है खाने को पहुंच नहीं पाते, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए। और बनाते हैं उससे निशाना। गुलेल। बड़े शहरों का है वो वाहन, और 4 पहियों का है, हर जगह हर वक्त हर नहीं, ये गलत हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टीम ने। बहुत बढ़िया। ये खेल जो है बड़े बड़े शहरों में और बाहर पूरे विश्व में खेला जाता है। आजकल उसके चैंपियन, पहले चैंपियन थे प्रकाश पादुकोण। समय समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। प्रेरणा टीम ने ये एक ही चीज ढूंढी है, चेतना टीम ने एक गुलेल, एक स्कूटर, एक तोता, एक कुत्ता और एक एक कार, मतलब कि 5 चीजें ढूंढी है। तो इन्हें मिलते हैं कितने, 50 अंक। 2 राउंड के बाद फाइनल स्कोर हुए हैं, चेतना टीम को मिले हैं 140 अंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रेरणा टीम को मिले हैं 60 अंक। आपने भी कभी अंताक्षरी खेली होगी ना? आज भी हम आपके साथ यहाँ अंताक्षरी खेलने जा रहे हैं, लेकिन इस खेल का नाम अक्षर अंताक्षरी है। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है उतना ही दिलचस्प, उतना ही मजेदार। आपको एक एक करके एक गाना सुना दिया जाएगा। अब आपको करना यह है कि उस गाने का आखिरी शब्द, बल्कि शब्द का आखिरी अक्षर पहचानना है, और जाकर उन अक्षरों के ढेर में से उस अक्षर को खोजना है, खोजकर अपने अपने बोर्ड पर लगाना है। अक्षर खोजने से बोर्ड पे लगाने तक आपको सिर्फ 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रेरणा टीम के लिए पहला गाना सुनाया जाए। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती,
तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में ज्यादा। जल्दी 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 जल्दी, आपके पास समय है 20 सेकंड का। गलत शब्द लगाया आपने, रख दीजिए। अक्षर समय है आपके पास, दीजिए। समय समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, आइए। आखिरी शब्द था ग। चलिए अब चेतना टीम के लिए गाना सुनाइए। जल्दी लगा दिया। जल्दी ढूंढिए। आप प्लीज नहीं बताएंगे, श्रोताओं में से कोई नहीं बताएगा। भाई फिर बच्चा को ढूंढ लीजिए। पहचानना इसको है आपको नहीं। समय समाप्त हो गया। शुरू करते हैं अगला गाना। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। चलिए चलिए जल्दी से खोजिए, खोजिए उस आखिरी अक्षर को। अगला गाना सुनते हैं चेतना टीम के लिए। बिल्कुल। आजा बिदरते बाल माँ कोई रो रो पुकारे, आजा बिदरते बाल माँ। चलिए भागे 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 भागे, जल्दी खोजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। अगला गाना टीम प्रेरणा के लिए। मेरा पढ़ने में नहीं लगे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात की सुनी सुनी लागे। छठवां गाना है चेतना टीम के लिए। तो खेत में मिलेगा, कलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे। बहुत बढ़िया। क्या बात है। अब इस खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक एक टीम जाकर वहां पर अगर कोई शब्द बना सके तो उन्हें बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले जाइए आप, सारे अक्षरों को निकाल कर अगर आप बना सके कोई शब्द। हम बनाए इन्हें मिलते हैं 50 अंक इसके लिए। आइए अब बारी है चेतना टीम की। बनाइए शब्द। अरे वाह क्या बात है। बढ़िया भाई, आप चेतना टीम को भी मिलते हैं पूरे 50 अंक ज्यादा। इस राउंड में चेतना और प्रेरणा दोनों ही टीम को 250 और 250 अंक मिले हैं। और फाइनल स्कोर हुए हैं चेतना टीम के 390 और प्रेरणा टीम को मिले हैं 310। याद है स्कूल में हमारे जो एग्जाम मतलब परीक्षा होते थे जी। परीक्षा के वक्त तो एक तो लिखाई वाली परीक्षा होती थी और तो एक होता था ओरल एग्जाम, मतलब जिससे हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। वैसा ही हमारा अगला राउंड है प्रश्नावली। हम आपके पास आएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। 6 सवाल है और आपके पास समय है 60 सेकंड का। हर सवाल के लिए 10-10 सेकंड का समय है।
तैयार? तो मैं आपसे पूछती हूँ सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस साल 26 जनवरी को आए भूकंप से किस प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई है? गुजरात। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मक्का मदीना की यात्रा को क्या कहते हैं? हज। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? मुंबई। नहीं। हाँ, मुंबई में भी बहुत आबादी है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। कलकत्ता। नहीं। चलिए, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। चेन्नई शहर का पहले क्या नाम था? चेन्नई शहर का पहले क्या नाम क्या था? मद्रास। मद्रास। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रेरणा टीम ने कुल मिलाकर 3 प्रश्नों के उत्तर बहुत सही दिए हैं। आइए अब हम आपसे सवाल करते हैं, भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। बहुत बढ़िया। फिल्म शोले में अमजद खान का नाम क्या था? गब्बर सिंह। बहुत बढ़िया। फिल्में बहुत देखते हैं आप लोग। महाभारत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बोलिए बोलिए जल्दी, समय निकला जा रहा है आपका। कौरवों और पांडवों के बीच में। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, मुंबई में नहीं, केरल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? गांधी जी। नहीं, नहीं। बाल गंगाधर तिलक। तिलक, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए देखते हैं कि ये राउंड खत्म होने के बाद दोनों टीमों को कितने अंक मिलते हैं। 4 राउंड्स के बाद में प्रेरणा टीम ने जहां पाए हैं 340 अंक, वहीं चेतना को मिले हैं 420 अंक। हमारा अगला खेल है पहचान, जो कि है हमारा 5वां राउंड, और ये हमारा टीम गेम है जिसके लिए आपको 60 सेकंड्स दिए जाएंगे। बहुत आसान सा खेल है, लेकिन आपको समझना ये है कि यहाँ जब हम बोर्ड्स रखेंगे उसमें 4 फोटोग्राफ्स दिखाए जाएंगे, तो आपको पहचानना ये है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। ऐसे हम आपको 4 चित्र दिखाएंगे, उसमें 4 व्यक्ति, 4 जानवर, 4 कुछ भी हो सकते हैं, आपको पहचानना है, ठीक है? और इस पेन से निशान लगा के बताइएगा कि वो चीज क्या है जो अलग है, हटकर है बाकी तीनों चीजों से, ठीक है? आपका समय अब शुरू होता है, लीजिए पहचानिए। एक बाघ है, एक भेड़िया है, एक गाय है और एक सिंह है, ये तो बहुत आसान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया, क्योंकि भेड़िया, बाघ और सिंह जंगली जानवर है और गाय पालतू जानवर। आइए अब चलते हैं प्रेरणा टीम की तरफ, पहचानिए इसमें से अलग क्या दिख रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए चेतना टीम के लिए आइए। आइए चेतना टीम, एक नेवल ऑफिसर है, एक कैमरामैन है, एक सोल्जर है और एक पायलट है, इनमें से कौन अलग है? एक नेवल ऑफिसर है, एक सोल्जर है जो आर्मी में है, एक पायलट है जो एयरफोर्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए प्रेरणा टीम, अगला कार्ड है आपके लिए प्रेरणा टीम, इसमें सीताफल है, मैंगो है, तरबूज है और मौसम्बी है, ढूंढिए कौन सा फल अलग है। बिल्कुल सही। अब बताइए क्यों, किस लिए आपने लगाया ये निशान?
इन तीनों में बहुत ज्यादा बीजे होते हैं और जबकि आम में एक ही गुठली होती है। बिल्कुल सही। तो आइए देखते हैं कि इस राउंड के बाद में स्कोर क्या हुए हैं। जितना टीम को मिले हैं सॉन्ग और प्रेरणा को भी मिले हैं सॉन्ग, कुल मिलाकर अंक जो दोनों टीम को मिले हैं, चेतना को मिले हैं 520 और प्रेरणा सिर्फ 80 अंकों से पीछे है, मतलब 440। आइए अब हम चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ और ये है फलते पेड़। पेड़ पे आपने फल तो उगते हुए देखा होगा, लेकिन हम यहाँ आपको इस पेड़ पे रिंग उगाते हुए दिखाएंगे। ये जो दो झंडे लगे हैं ट्रैक के इस तरफ टीमें खड़ी होंगी और ये रिंग फेंकने की कोशिश करेंगी। जितने ज्यादा रिंग्स आप यहाँ लगाएंगे उतने ज्यादा अंक आपको मिलेंगे। मतलब ये रिंग इस तरह से इस पेड़ पर फलेंगे? यहाँ नहीं, यहाँ से खड़े होके यहाँ लगाने पड़ेंगे। मतलब मैं तो बता रहा था यहाँ से फेंकना है आपको। और याद रखिए ये टीम गेम है, हर टीम को सिर्फ 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का समय दिया जाएगा। एक रिंग के 10 अंक मिलेंगे, पूरे 10 अंक। और अगर रिंग फिर गिर गया और रिंग आपके यहाँ खत्म हो गए तो आप दोबारा से आपने आपके अपने समय में मतलब 60 सेकंड के अंदर अंदर वो दोबारा रिंग्स उठाकर फिर आकर यहाँ से फेंकना है। समझ गए आप? चलिए चलिए शुरू करते हैं खेल। आपका समय शुरू होता है अब। इतना आसान नहीं है नया जी। आगे बढ़ती जा रही है। समय आपके पास बहुत कम है। चलिए जल्दी जल्दी ध्यान से आराम से जल्दी 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 पूरी कोशिश, अभी समय आपके पास है। और आप अपने ही रिंग उठाइएगा। चलिए रखिए आप। चलिए 20, 19, 18, 15, 14, 13, 5, 4, 3, 2, 1, समय। चलिए कोई बात नहीं, आपने पूरी कोशिश की। आइए दूसरी टीम। बहुत अच्छी कोशिश थी। फलते पेड़, आपका समय शुरू होता है अब। श्रोता क्या कर रहे हैं आप? उत्साहन दीजिए, उत्साहन। यस, चलिए चलिए खेलिए। अभी भी समय है आपके पास, बहुत सारा समय है। कितना आसान गेम नहीं है जितना आप सोचा होगा। समय की सुई आगे बढ़ती जा रही है। 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अरे! दो रिंग्स इन्होंने डाले हैं, मतलब 20 मार्क्स आपको मिले हैं। तो आइए देखते हैं कि फाइनल स्कोर्स क्या हुए हैं। प्रेरणा टीम को मिले हैं 440 अंक, बहुत अच्छे। और चेतना को मिले हैं 540, यानी आज की हमारी विजेता टीम है चेतना। और हाँ बताइए, ये टीम हमारे अगले खेल में जरूर आएगी क्योंकि वो खेलेगी सेमीफाइनल नंबर 2। बिल्कुल। शिक्षा ही हमारे जीवन को का खा गा का मार्ग दिखाती है, तभी हम जीवन की हर स्पर्धा में किसी भी चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर हंसते खेलते दे सकते हैं। आपके जीवन में हर समय पर काम आती है, आपकी किसी भी खोज में आपका साथ देती है, आपको समान असमान का अंतर बताती है,
बंजर धरती हम उपजाऊ बना सकते हैं तो शिक्षा द्वारा अशिक्षित को शिक्षित क्यों नहीं बना सकते। तो आइए आइए हम सब मिलकर ये प्रण ले कि हम भी उस मंजिल को पार कर रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते इसी रोज इसी समय आपके अपने प्रोग्राम चुनौती में। चुनौती साक्षरता ही है सफलता की कुंजी इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती। इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती।